छोटी सी प्यारी सी भोली भाली सी नदी, सुंदर दिखने वाली, पहाड़ों में कल कल बहने वाली नदी अचानक से उफान क्यों मारने लग जाती है? इतना विकराल रूप धारण कर लेती है ये, इसका अंदाजा आपको लगाना बड़ा मुश्किल है। तो आप ये देख सकते हैं पहाड़ों का ये जो नज़ारा है, बहुत ही खतरनाक, नदियों का गुस्सा कह सकते हैं इसे। और इस तरीके से नदियों के इस गुस्से का शिकार पहाड़ों में आए दिन बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाती हैं, गाड़ियों को ले जाती है नदी, कई बार ये हाथी तक को बहा लेती है, लोगों की तो बात ही क्या है। और यहाँ पर देखो एक बैल फंस गया बीच नदी में, तो बैल की हालत देखो, ये बैल बीच नदी में आकर फंस गया और नदी पूरे उफान पर है, ना कोई इस तरह से बैल या जानवरों की या लोगों की मदद कर पाता है। और ये पार करने की कोशिश कर रहा बैल, लेकिन देखो लास्ट टाइम में, और ये बहुत ही बुरी हालत, ऐसी कंडीशन में कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे जानवरों के साथ ऐसे लोग बह जाते हैं। पहाड़ जितने अच्छे दिखते हैं दूर से, असल में पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए उतना ही दर्दनाक हो जाता है ये। दूर से देखने पे ये नदियाँ, पहाड़ों में बारिश बहुत अच्छा लगता है, लेकिन देखो बैल कहाँ तक बह गया। और शर्म की बात ये है कि इसे बचा भी नहीं सकता कोई, क्योंकि अचानक से बाढ़ आ जाती है। नीचे मैदानी इलाकों में पूरा सूखा रहता है और ऊपर पहाड़ों में बहुत तेज़ बारिश होती है, और उस नदी में खेलने वाले बच्चे, लोग, जानवर सब इसकी चपेट में आ जाते हैं और नदी इतने भयंकर रूप ले रहती है। देखो क्या हालत है इन नदियों के कारण, उत्तराखंड गांव के पहाड़ सुरक्षित नहीं हैं। और इस तरीके से सरकार भी कई जगह तो नदी पार करने के लिए पुल तक भी नहीं है, पुल तक भी नहीं होता, ऐसी हालत में लोग रहते हैं वहाँ पर।